राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालयों के कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी द्वितीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक हमारी हिंदी भाग 3 में सम्मिलित पाठों का आदर्श वाचन। प्रस्तुत है पाठ बाबा आमटे। मेरी माँ ने मुझे एक बार एक जापानी गुड़िया दी थी। इस गुड़िया की यह विशेषता थी कि वह लिटाने, लुढ़काने या गिराने पर भी खड़ी हो जाती थी। कोई उसे जितनी बार गिराता वह उतनी ही बार उठ खड़ी होती। अंत में उसे गिराने वाला ही हार जाता। माँ ने मुझे गुड़िया का यह खेल दिखाया। फिर समझाया, तुम भी जीवन में कई बार गिर सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम जिंदगी में कभी गिरो ही नहीं, हारो ही नहीं। शान न गिरने में है न हारने में, बल्कि शान तो गिरकर तुरंत उठ खड़े हो जाने में है। जब जब गिरो, हर बार उठ खड़े होना। हारना, किंतु हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। यह बात बाबा आमटे के बचपन की है। बाबा आमटे का नाम तुमने अवश्य सुना होगा। उनके बारे में समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा। संभवतः तुमने उनका चित्र भी देखा हो। बाबा आमटे हमारे समय के सच्चे जनसेवक हैं। उन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। वे जेल भी गए। उन्होंने छुआछूत के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया है। बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों के लिए एक बड़ा आश्रम बनाया है। उनकी चिकित्सा की है। यही नहीं, उन्होंने कुष्ठ रोगियों को सम्मान से जीना सिखाया है। अब बाबा आमटे वृद्ध हो गए हैं। उनके शरीर में भी तकलीफ रहती है। वे बैठ नहीं सकते। या तो वे खड़े रह सकते हैं या
लेटे। ऐसी हालत में भी उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर अमृतसर तक की भारत जोड़ो यात्रा की है। इस यात्रा का उद्देश्य था लोगों में देश प्रेम की भावना जगाना और उनमें मिलजुल कर रहने की भावना पैदा करना। बाबा आमटे का पूरा नाम है मुरलीधर आमटे। उनके पिता का नाम था देवीदास हरबाजी आमटे। बचपन में सब लोग मुरलीधर को बाबा कहकर पुकारते थे। तब से मुरलीधर की जगह उनका बाबा आमटे नाम ही प्रचलित हो गया। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में एक नगर है हिंगणघाट। इस नगर में 6 दिसंबर 1914 ईस्वी को बाबा आमटे का जन्म हुआ। उनके पिता एक जमींदार थे। वे सरकार के लिए किसानों से राजस्व लगान वसूल किया करते थे। बाबा आमटे की पढ़ाई लिखाई नागपुर में हुई। वे बड़े होकर चिकित्सक बनना चाहते थे। उनके पिता की इच्छा थी कि वे वकील बने। अंत में बाबा आमटे ने पिता की इच्छा के अनुसार कार्य किया। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे दुर्ग नामक शहर में वकालत करने लगे। यह सन 1936 की बात है। बाबा आमटे ने सन 1940 तक वहां वकालत की। फिर उन्होंने दुर्ग छोड़ दिया और वरोरा आ गए। बाबा आमटे फौजदारी के मामलों के वकील थे। वे अपराधियों की ओर से मुकदमे लड़ा करते थे। जब उनकी दलीलों से अपराधी छूट जाते थे तो बाबा आमटे को बहुत दुख होता था। इसीलिए उनके पिताजी ने उन्हें वरोरा में
दीवानी वकालत करने की सलाह दी। उन दिनों हमारा देश गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। बाबा आमटे पर भी गांधी जी का असर पड़ा। वे आजादी की लड़ाई में कूद पड़े और कई बार जेल गए। जेल से निकलने के बाद बाबा आमटे ने देश सेवा और समाज सेवा का व्रत ले लिया। वे इस व्रत को पूरा करने में जी जान से जुट गए। उन्हीं दिनों बाबा आमटे का नागपुर में विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम इंदु था। महाराष्ट्र की प्रथा के अनुसार विवाह के बाद उनका नाम बदलकर साधना कर दिया गया। साधना ताई ने भी बाबा आमटे के साथ समाज सेवा का संकल्प ले लिया। बाबा आमटे ने वरोरा में श्रम आश्रम स्थापित किया। यह एक नया प्रयोग था। आज भी इसमें सभी जातियों के लोग रहते हैं। ये लोग दिन भर में जो कुछ कमाते हैं उसे मिलजुल कर खर्च करते हैं। तुमने आचार्य विनोबा भावे का नाम भी सुना होगा। उन्होंने वर्धा के पास पवनार में कुष्ठ रोगियों के लिए एक आश्रम खोला था। उन दिनों कुष्ठ रोग को एक महारोग समझा जाता था। बाबा आमटे ने भी कुष्ठ रोगियों की सेवा का व्रत ले लिया। सन 1947 में बाबा आमटे ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति त्याग दी। उन्होंने महारोगी सेवा समिति बनाई। समिति का उद्देश्य महारोगियों की सेवा और चिकित्सा करना तथा ठीक हो जाने के बाद उनमें जीवन के प्रति उत्साह भरना है। इस काम के लिए
सरकार ने भी उन्हें 50 एकड़ भूमि दी। इस पथरीली भूमि पर बाबा ने 6 महारोगियों के साथ आनंदवन आश्रम की स्थापना की। आनंदवन में महारोगियों की चिकित्सा की जाती है, उन्हें काम करना सिखाया जाता है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, भीख न मांगें और समाज पर बोझ न बने। आनंदवन में एक प्रकाश अंधशाला है। यहां नेत्रहीनों को पढ़ाया जाता है। आनंद वन के बाद बाबा आमटे ने सोमनाथ नामक एक स्थान पर श्रमिक विद्यापीठ की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में सेवा कार्य करने का निर्णय किया। उन्होंने हेमलकसा नामक स्थान पर एक और आश्रम स्थापित किया। इस योजना को उन्होंने नाम दिया लोक बिरादरी योजना। आजकल इस केंद्र का कार्य बाबा आमटे के छोटे पुत्र डॉक्टर प्रकाश आमटे देख रहे हैं। आनंद वन में बाबा आमटे के बड़े बेटे डॉक्टर विकास आमटे आश्रम की देखभाल करते हैं। बाबा आमटे को उनकी सामाजिक सेवाओं के लिए देश विदेश में सम्मानित किया गया है। उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं। आजकल बाबा आमटे देश की एकता के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ पूरे देश को एकजुट करने का व्रत लिया है। वे अपनी यात्रा के दौरान लोगों को देश की एकता के महत्व के बारे में समझाते हैं। बाबा आमटे ने आनंद वन के सहयोगियों को एक मंत्र दिया है। यह मंत्र सभी के लिए उपयोगी है। श्रम ही है श्री राम हमारा, श्रम ही है साधना हमारी। बाबा आमटे।
अभी आप सुन रहे थे हमारी हिंदी भाग 3 में सम्मिलित पाठ का आदर्श वाचन। विशेष सहयोग डॉ. सुरेश पांडे, परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर वीना होरा, ध्वनिंकन सतीश लाड़े एवं दीपक पांडे, ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।